दोस्तों, मैं लीना सिंगोदिया, मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। और अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट व शेयर करें। आज हम बनाएंगे राजमा चावल। राजमे की सब्जी हम कुछ अलग तरीके से बनाएंगे जो बहुत अच्छी बनेगी अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो। सबसे पहले उसके लिए हम प्याज और लहसुन का पेस्ट बना लेंगे। ये हमने एक बड़ा प्याज लिया है और 6-7 लहसुन की कली हैं, 2 बड़े आकार के टमाटर हैं और 1 हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इन्हें हम पीस करके अलग अलग पेस्ट बना लेंगे। प्याज लहसुन का पेस्ट अलग बनाएंगे और टमाटर और हरी मिर्ची का पेस्ट अलग बनाएंगे। प्याज और टमाटर का पेस्ट हमने बना लिया है। ये राजमा आधा कटोरी राजमा है, ग्राम्स में देखें तो ये 100 ग्राम राजमा है। इन्हें हमने रात भर भिगो लिया है, या तो रात भर या 10 से 12 घंटे हमें राजमा को भिगोना होता है। तो ये हमारे राजमा तैयार हैं। आइए तो हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। और सब्जी मैं कैसे बना रही हूँ उसके लिए आप मेरी वीडियो अंत तक देखिएगा। गैस ऑन करके हमने उसमें कुकर रख लिया गैस पे, और ये 2 बड़े चम्मच टेबलस्पून हमने तेल लिया है, ये हम इसमें डाल लेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है और ये आधा छोटी चम्मच जीरा और 1 तेज पत्ता हमने लिया है, ये हम इसमें डाल लेंगे। 1/4 चम्मच से थोड़ा कम ये हींग है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें ये प्याज और लहसुन का पेस्ट डालेंगे जो हमने बनाया है। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं और नहीं डालना चाहते हैं तो प्याज लहसुन की जगह हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल के उसे सबसे पहले भून देंगे। गैस को हम मीडियम कर लेंगे क्योंकि तेज़ आंच में हमारे मसाले जल जाते हैं, इसलिए हम गैस को बिल्कुल हमने मीडियम कर लिया है। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है, भुन गई, और अब हम इसमें ये टमाटर प्यूरी डाल लेंगे। गैस को हम मीडियम ही रखेंगे। हमारा टमाटर का पेस्ट भी भुन गया है और अब हम इसमें ये हल्दी डालेंगे। आधी चौथाई चम्मच हल्दी है, ये हम हमारे इसमें पेस्ट में डाल लेंगे। और 1.5 छोटी चम्मच पिसा हुआ धनिया, ये भी हम इसमें डाल लेंगे। बहुत कम मसालों में बहुत टेस्टी सब्जी हम ये बना रहे हैं। बाहर का कोई भी हमने इसमें मसाला ऐड नहीं किया है। अब हम इसमें ये लाल मिर्ची डाल लेंगे। लाल मिर्ची आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, आपको कितना तीखा खाना है। हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हमने इसमें पानी ऐड किया है और फिर से हम मसाले के तेल छोड़ने तक इसे भून लेंगे। हमारी ग्रेवी ने मसाले ने तेल छोड़ दिया है और अब हम इसमें ये राजमा डालेंगे। आप चाहें तो इसमें आलू भी डाल सकते हैं राजमा के साथ, अगर आप आलू खाना पसंद करते हो तो आलू छील के और काट के हम इसमें आलू भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें पानी डालेंगे। तीन कटोरी हमने इसमें पानी डाल लिया। और अब हम इसमें ये स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। गैस को हमने तेज कर लिया और अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और 1 सीटी आने देंगे। हमारे कुकर में 1 सीटी आ गई है और अब हम इसकी फ्लेम को एकदम बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हमें इसे 15 से 20 मिनट पकने देना है। जब तक हमारे राजमा पकते हैं हम चावल बना लेते हैं। उसके लिए मैंने 1 कटोरी हमने ये 1 कप चावल लिए हैं, इन्हें आधा घंटा हमने भिगो दिया पानी में। और 1 छोटी चम्मच हमने घी लिया है। अब हम पैन में सबसे पहले घी गर्म करते हैं। एक पैन लेंगे और इसमें 1 छोटी चम्मच हमने ये घी लिया है, घी डाल लेंगे।
आप चाहे तो 1 टेबल स्पून ऑयल भी ले सकते हैं। घी हमारा गरम हो गया है, इसमें हम 1 छोटी चम्मच जीरा डाल लेंगे और जीरे को हम भून लेंगे। अब इसमें एक मैं बारीक कटा हुआ प्याज मैंने लिया है, ये प्याज मैं डालूंगी। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो सिर्फ आप जीरे का तड़का लगा के और इसमें पानी डाल के हम चावल बना सकते हैं। मैंने इसमें एक प्याज डाला है तो हम ये प्याज डाल लेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज हमारी भुन गई है और गैस को हमने एकदम कम कर लिया है और अब हम इसमें जिस कटोरी से हमने चावल लिए उसी कटोरी से हम इसमें पानी डालेंगे। हमने इसमें 2 कटोरी पानी डाल लिया है और अब हम गैस तेज़ कर देंगे और इसे ढक के एक उबाल आने देंगे। पानी में हमारे उबाल आ गई है और अब हम इसमें ये नमक डाल लेंगे और चावल हमने पानी निकाल के अच्छे से धो लिया है और ये चावल भी हम इसमें डाल देंगे अच्छे से मिक्स करके। और इन्हें हम 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ढक करके और रख देंगे। 5 मिनट बाद एक बार हम इन्हें चेक करेंगे। 5 मिनट हो गई है और अब हम एक बार हमारे चावल चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं। अब हम गैस को तेज़ कर लेंगे और तेज़ गैस पे 5 मिनट इन्हें और पकने देंगे। इस तरह से चावल बहुत खिले खिले बनते हैं। 5 मिनट हो गई है और हमारे चावल पक करके तैयार हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इन्हें 5 मिनट के लिए ढके रहने देंगे और हमारे राजमा को भी पकते हुए 20 मिनट हो गई है, इसकी भी हम गैस बंद कर देंगे और कुकर की हवा गैस निकलने तक हम इसे, जब ये पूरी गैस निकल जाएगी कुकर की तब हम इसका ढक्कन खोल के हमारे राजमा को चेक करेंगे। 5 मिनट हो गई और ये हमारे चावल एकदम खिले खिले लंबे लंबे बन कर के तैयार हैं, बहुत अच्छे बने हैं। अब हम हमारी राजमे की सब्जी चेक कर लेते हैं। कुकर की हवा बिल्कुल निकल गई है और अब हम इसे खोल लेंगे। अब हम एक बार हमारी गैस फिर से ऑन करेंगे। राजमे हमारे बिल्कुल पक कर के तैयार हैं। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हमने अमचूर पाउडर लिया है, ये डाल लेंगे। और 1/2 छोटी चम्मच चाट मसाला है, चाट मसाला घर का बना हुआ है, ये अगर हम सब्ज़ी में डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। सब्जी को उबलते हुए हमारे 1-2 मिनट हमने इसको और उबाला और सब्जी हमारी तैयार है। गैस हम बंद कर देंगे और हरा धनिया डाल के हम इसे सर्व करेंगे। ये हमारा टेस्टी राजमा चावल बन करके तैयार है। सबसे बड़ी चीज़ कि ये बहुत कम मसाले में, घर के मसालों में बनी हुई सब्जी है। आप अगर ज़्यादा रस्सा पसंद करते हो, ज़्यादा ग्रेवी चाहिए हो तो हम पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। हमारे राजमा में मीडियम ग्रेवी है। चावल भी देखिए एकदम खिले खिले बहुत अच्छे बने हैं। तो आप ये बनाइए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।